सोलन में खाद्य आपूर्ति विभाग मुनाफा खोरों पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। कोविड के इस संकट काल में जिला वासियों को महंगे दामों पर सामान न मिले, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। विभाग की विभिन्न टीमें जिला के औचक निरीक्षण कर रही हैं। अगर कोई भी दुकानदार अनियमितता करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती है। ये जानकारी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मिलाप शांडिल ने दी। उन्होंने बताया कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन कोविड संकट में उन्होंने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है ताकि कोई भी दुकानदार इस समय का दुरुपयोग न कर पाए। अधिक जानकारी देते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मिलाप शांडिल्य ने बताया कि उनके द्वारा इस माह में कसौली, कंडाघाट, अर्की, नालागढ़ और सोलन के बाजारों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान करियाना, सब्जी और फलों की 68 दुकानों की जांच की गई, जिनमें से 12 दुकानों में अनियमितताएं पाई गई। इनमें से कुछ दुकानदार महंगी वस्तुएं बेच रहे थे तो कुछ दुकानों में मूल्य सूची नहीं लगी हुई थी, जिसके चलते इन दुकानों से 3 क्विंटल के करीब फल सब्जियां जब्त की गई हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में जिला वासियों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा और उनका ये अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। हमारा विभाग जो है वो लगातार मार्केट में सब्जियों, फलों और करियाना की आइटमों के ऊपर लगातार निगाह रखे हुए हैं। मार्केट में सोलन में, अर्की में, नालागढ़ में, इवन कंडाघाट में हर जगह हमने निरीक्षण कार्य किए। उस दौरान हमने 68 दुकानें चेक की हैं और 12 के करीब जो व्यापारी हैं वो अनियमितता करते पाए गए हैं, या तो उनकी दुकानों में मूल्य सूची नहीं थी या महंगे दामों पर वो सब्जियां और फल बेच रहे थे, तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करते हुए 3 क्विंटल 60 किलो के करीब हमने फल और सब्जियां जब्त की हैं। ये अभियान लगातार जारी रहता है। हम आए दिन, मेरे विभाग के निरीक्षक लगातार मार्केट में निगाह रखे हुए हैं और वो देखते रहते हैं कि कोई व्यापारी गलत या महंगे दामों पर खाद्यान्न बेच तो नहीं रहा है। ये एक लगातार प्रक्रिया है और हमारा ये संकल्प है, हम ये लगातार ध्यान रख रहे हैं कि कंज्यूमर को सही दामों पर ही सभी खाद्यान्न और वस्तुएं मिलें।